Hi guys, welcome to our second vlog. He's my friend, as you know, Ankit. हमारे जो आज का खाना बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ. देखो हमारे पास ना, मैं और मेरा दोस्त के पास पूरा इतना ही बर्तन है. मीन्स एक छोटा सा बटोरा बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में. एक छोटा सा खाना बनाने का, राइस बनाने का, एंड मैं ख़रीदा था. एंड मेरे दोस्त का थाली वो है, एंड मेरा थाली है वो बर्तन के साथ ही मिला था वो वाला. एंड स्पून है उसमें, इसी स्पून पे हम खाना बना रहे हैं. आपको नहीं पता, इसी स्पून पे हम जितना भी सब्जी, दाल वगैरह, पोटैटो है ना, बैंगन वगैरह, यस्टरडे हमने भुजिया किया था उसी से हम बना रहे हैं. एंड उसका फ्रंट साइड में हम सब्जी रख रहे हैं, एंड वो बर्तन है हम दाल वगैरह रख रहे हैं ना, ऐसा इतना ऐसा ही बर्तन से हमने तीन चार आइटम बना देते हैं. दिस इज मिस्ट्री, यू नो. आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो हमको, ऑब्वियसली हमें से जो भी कुछ परफॉर्म करेंगे, बनाएंगे, आप लोगों के साथ वीडियो पे लेके आएंगे. ठीक है, क्योंकि आज का जो खाना बनेगा मेनू अभी आप लोगों से मैं अभी बताऊंगा. एंड आप देखोगे एंड ऑफ दैट मीन्स वो वीडियो साथ ही बने रहो तो आप देख पाओगे हम कैसे बना रहे हैं. ठीक है, चलो आज का जो हमारा मेनू है, ऐसे आपको पहले से पता होगा, फर्स्ट ब्लॉग से हम लोग बताया था कि हमारा छोटा सा किचन रूम है. छोटा सा किचन रूम में हम सब कुछ बना के खा रहे हैं. अभी आज का सेकेंड डे है. मीन्स आज का क्या जो हमारा मेन्यू है, मीन्स हम पूरा वेजिटेबल्स का ऊपर खाते हैं, पूरा नेचुरल जैसा, घर के जैसा खाना हम लोग बना के खाते हैं. आज बनेगा हमारा दाल. हम प्रायोरिटी पे रखा है कि दाल को कमन रखेंगे, है ना अंकित? दाल हमेशा कमन रखेंगे. मीन्स हफ्ता में तीन चार बार तो बनेगा, है ना, दाल. बाकी और कुछ डिफरेंट आइटम के बारे में सोचेंगे. आज जो बनेगा दाल तो है, एंड बैंगन का हम ऑयल में उसको बॉयल करके खाएंगे, है ना, नमक एंड मिर्ची डाल के. एंड उसके साथ एक पोटैटो का चटनी बनाएंगे, जो देसी होता है ना पोटैटो का चटनी, वो हम ऑनियन कुछ कट कर रखा है, टमाटो एंड हरा मिर्ची कट के रखा है ना. वो अभी आलू बॉयल हो रहा है, मैं थोड़ा टाइम के बाद आप लोगों को दिखा दूंगा आलू जो बॉयल हो रहा है कैसा हो रहा है ना. एंड वो चावल है, हम पानी में भिगा के रखा है. ऐसे पता है क्योंकि हमारा पास इतना टाइम नहीं होता है, हम पढ़ाई भी करते हैं तो टाइम हम चावल को भिगा के रखते हैं. ऐसे क्या होगा ना, हमारा चावल जल्दी पक जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम चावल को भिगा कर रखा है. वो आज है हमारा मेनू. एंड बाकी हल्दी वगैरह है, नमक वमक सब डालना है, तो नमक है टाटा सॉल्ट वाला, मिर्ची वगैरह है, उसका अंदर पाउडर है, पाउडर अंदर हल्दी का है, हल्दी का पाउडर भी है, हल्दी का पाउडर एंड हल्दी अभी डालेंगे दाल में थोड़ा नेचुरल चीज़, कि हल्दी बहुत अच्छा होता है तबीयत के लिए, इसे आप लोगों को पता है. हल्दी डाल दिया हमने, अभी उसके अंदर थोड़ा मिर्ची डाल के एंड उसके अंदर टमाटर डाल के एंड हरा मिर्ची डाल के थोड़ा पाउडर डालना है, उसके बाद हमारा दाल हो जाएगा. ठीक है, आगे आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे बनते जाएगा, आप लोग आपको मैं ऐसे दिखाते जाऊंगा. ठीक है, थैंक यू. फाइनली हमारा जो मेनू आज था बैंगन का एंड राइस बन गया है, चावल पूरा देसी चावल देखो, एंड दाल बनाया है हमने पूरा देसी स्टाइल का दाल, एंड पोटैटो वो आलू का चटनी बनाया हमने. आलू का चटनी एकदम मस्त टेस्ट है, हम जो खाएंगे ना आप लोगों को दिखाएंगे. बन गया है, अभी हम थाली में उसको रखेंगे एंड खाएंगे. फाइनली हमारा आज का जो मेनू था, आप लोगों को तो पता है अभी बन गया है. मीन्स दाल, आलू का सब्जी एंड वो थोड़ा मैं टमाटो का बनाया हूँ, मिर्ची दाल का देखो, एंड वो बैंगन का सब्जी था, तो मेरा दोस्त का प्लेट है वो, एंड वो मेरा प्लेट है. अभी हम खा के आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है. अंकित लेट्स स्टार्ट. ठीक है ना, अभी हम खाएंगे, मेरा फ्रेंड अंकित भी खाएगा अभी, एंड देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है, फिर आपको हम बोलेंगे. कैसा लग रहा है अंकित? काफ़ी अच्छा, परफेक्ट है ना, देखता हूँ मैं खा के. रियली मस्त है, बुरा ना, आलू के साथ खाते हैं, आलू का साथ मस्त लगता है ना. और सच में पूरा देसी खाना है ना. कल से तो आलू का जो आज है ना, जो स्मेल है और काफी टेस्ट लगता है मुझे, है ना. हमारे पास और भी आलू है बहुत ज्यादा, आपको मैं दिखा देता हूँ. देखो नाम ने लिया है, दूसरे दूसरे हैं. बाकी थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही हमारे पास खाना है, हमने बनाया है खुद ही, जैसे आप लोग को मैं दिखा रहा था. आलू का भी टेस्टी हुआ है काफ़ी, टमाटो का भी मैं खा रहा हूँ, मेरा दोस्त टमाटो नहीं खाता, मैं ही खाता हूँ. ठीक है, रख रहे हैं, फिर हम कल क्या खाना बनाएंगे, कैसे
हाँ मेहनत करके बना रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। चलो टेक केयर, गुड नाइट, टुमारो विल मीट। ओके।